चलो फाइनली इतने दिनों बाद मैंने तो मास्क लगाया हुआ है। कोई नहीं, मैं वॉइस ओवर करूंगी, आज हम साथ में चलते हैं। ये वो अंकल कैसे निकल लिए? ये चल रहा है फोन के चले, आज मेरे को सच में मान। तान्या, अरे आ रहा तान्या, 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 तान्या भागियो मत, भागियो बस, भागियो मत। एक बार आता हम लोग यहां कुंडी कट कट आके भागता सबको नहीं बताना यार, ये स्कूल के दिन याद आ गए, गली से छुप के भागते हैं और चिल्ली खाने इसी गली से ऐसे करके जाते हैं। कौन सी ताने के घर जा रही है? ठीक है चलिए बात नोट कर दूंगी मैं। ये मैंने घर दिखा देती हूँ, मैंने बताया नहीं सारी ताने के घर जा रही थी। अरे वाह यार, किचन कितना बढ़िया कर लिया। क्या कह रही है? आज मैं तेरे घर से गिर के जाऊंगी, दो बार हो गया ये मेरा। सो गाइस ये मेरी फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड। व्रत तोड़ लेते हैं हमें, करवा चौथ का व्रत तोड़ लेते हैं। अरे भाई, अरे भाई भाई क्लास में ना अपना एक बॉटल पानी तक नहीं दे। यहाँ का सीन याद है, हम दोनों जा रहे थे स्कूल में पांचवी क्लास में, जल्दी जल्दी जाना था, कहीं कुछ फंक्शन था ना, गिरे थे जब, हाँ गिरे थे जब यहीं से। हाय, ये पता है मैं गई थी ना कश्मीर, मैंने ये सब कपड़े खरीदे, मतलब वैष्णो मंदिर हम भी गए थे यही दिसंबर में। कैसे दोनों बच्चे को ब्लैकमेल कर रही है, दोनों मिलके बच्चे को ब्लैकमेल करते हैं। चली जा, ब्लैकमेल करते हुए शर्म नहीं है? शर्म नहीं, फिर वो लाएगा नहीं। और नीचे नानी बहरी कौन ही जाएगा हुआ। एक चीज बताओ मैं तेरे को, किसी फंक्शन में गई हुई थी तूने ब्लू आईशैडो लगाई थी, ब्लू नहीं था ग्रीन था वो। और वो पता है क्या हुआ था? वो पार्ट मिस्टेक हुआ था। क्यों? मुझे लगा मैं कर लूंगी। तान्या को क्या हो गया? हाँ, मुझे लगा मैं कर लूंगी। सुन, ऐसा लग रहा अभी किसी को डस के आ जाएगी। हाँ, मुझे लगा मैं कर लूंगी, बट स्टिल आप मेरा मेकअप देख, मैं अभी कल अपनी फ्रेंड का मेकअप करके आई हूँ, वो रिसेप्शन में जाना था, उसको गुजर है आके रहती है खुशी। चलो बाय गाइस। क्यों, इसकी दूसरी फ्रेंड बन चुकी है? नहीं, वो मेसन पढ़ाती है स्कूल में, वो मेसन स्कूल में पढ़ाती है। वो नहीं वापस डाल दे, चल निकाल लो, डाल अभी थोड़ा थोड़ी ना। क्या बोलना चाह रही थी आप? नहीं है ये क्या था? और पीना ना, और लट्ठी निकाल ली। और
भैया घर पे बुला के खुद खा रही पी रही है। हम खुद ही खा लेते हैं, पी लेते हैं। नमकीन अच्छे नहीं बने। मैंने बनाए थोड़ी ना। ऐसे ले इसको डिप करके खा। हुंशा भूल गई, मेरा हुंशा। वो कभी नहीं भूल सकती। गाइस मैंने ना पहली बार दही बल्ले बनाने की कोशिश की थी और इससे वो एकदम खराब हो गए थे। लेकिन पहले पता है मैंने क्या सोचा, पहले इन लोगों को दिखा के खुद पूछती हूँ, अगर इन लोगों ने सही नाम बता दिया मतलब मैं सही बनाई हूँ, अगर इन लोगों ने नहीं गैस कर पाई तो मैं गलत बनाई हूँ, मैं कुछ और बना दूंगी। मैंने बोला गाइस आज मैं कुछ स्पेशल आई हूँ, तुम लोग गैस करना बताओ क्या। हम बहुत एक्साइटेड थे खाने के लिए, फर्स्ट पीरियड में हमने लंच खुलवा लिया था इसका। खोलते ही हमारा इन लोगों का शकल बहुत गलती लगा, सोच में पड़ गए। ये क्या है? मैंने कहा बताओ क्या है। हरी दही थी। ये कह रही है हमें नहीं पता, कुछ नया टेस्ट ट्राई किए क्या। तब मैं कह रही हूँ भाई मतलब गलत बन गया है मेरे से। फिर मैंने जल्दी 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 क्या कर सकती हूँ क्या कर सकती हूँ, उस समय तो इतना फोन भी नहीं चला देता। मैंने बोला हुंशा बनाया मैंने यूट्यूब से देख के चाइनीज फूड, और हम भी एकदम शौक हुंशा, ये तो पहली बार सुना है, बट ट्राई किया थोड़ा खाना। वही मैं कह रही हूँ अगर इन लोगों को बताया इतने दही बल्ले हैं ये लोग कहते बकवास है, लेकिन हुंशा के नाम पे, हुंशा के नाम पे इतनी तारीफें लपेटी। किस दी गई तारीफें, किस दी गई, किस दी गई भाई, मजा आ गया। ये जब हम ट्रिप पे जाते थे ना ये स्पेशल मेरे लिए न्यूज़पेपर लेके आती थी, और इतना मजा आता था एरोबिक्स में जब हम बस में जाते थे। आती थी ये बता दे, ये उगलती थी खाना बाहर। एक बार ऐसा हुआ था प्रतिभा बैठ गई थी कोने के सीट पे, कह रही उठ उठ, ये उधर बैठेगी, और हमारी लड़ाई हो गई थी तीनों की, इसको मेरे को बिठाना था। हाँ। इसको प्रॉब्लम तो होती थी हमेशा। प्रतिभा कह रही है तुम लोग का मुझे तो लगता ही नहीं तुम लोग मेरे दोस्त हो। फिर हमने उसको कॉर्नर में कर दिया था। भाई दिक्कत देखेंगे ना। ये कहती थी मैं बीच में बैठूंगी क्योंकि मैं डब्बा खोलूंगी खाने का। तो फोन लगे थे उसका, और वही का फोन लाई थी बचपन से चल रहे। ये फोन लेके आई थी और वो किसी काम का नहीं था, क्यों, क्योंकि उसमें रिचार्ज नहीं था, और सिर्फ गंदी सी फोटो खींचने के लाई थी। हम इतने बुरे आ रहे थे, हमें शक्ल अभी तक है, मेरे पास फोटो दिखाऊं, दिखाती हूं। ये कौन सी क्लास का है हमारा, 9th या 10th का है, 9th का है, याद है 9th का है। और भी होगी, देखिए देख इसमें अपने आप को देख, मतलब पहले से ही मेरे में चुल थी हमेशा। ये नहीं कि अभी जाके हुई हूं, ये देख तेरी फोटो कब की रख रखी है मैंने। हाय हाय इसमें मस्त लगती हूं मैं, भले गोल मटोल सी हूं। हां अरे कहां चली गई यार, वैसे देखूंगी तो मिल जाती है। ये देख चित्रा की, मतलब हद है, मतलब मैं यही थी क्या यार, हद है, कितना चुटिया पकड़ती थी। और एक और है देख, हाय हाय कितनी पुरानी है यार ये फोटो, और देखना मैं कितनी छप रही थी। मुझे नहीं देख रही है अभी, और आज मेरे भाई बहन ने बेइज्जती करी है मेरी, कह रहे थे तू पहले जैसे रहती थी ना बिल्कुल छप रही। ये देख, हां ये भी अच्छी है, इसमें देखो फिर भी कोई ज़ूम कर दे उधर की, मतलब नीति का नहीं विकल्प तू करती यार, कहाँ चली गई यार, ये देख मस्त है ना। अरे वो कहाँ देख, एक तो ये है, एक हम चारों की है, इसकी ब्राइटनेस कम करना, इसकी ब्राइटनेस, ये रही शिव्या अब दिख जाती है, और ये रही मैं, ये संजनी, और ये प्रतिभा सबसे छोटी प्रतिभा। हाँ, और ये हम लोग आए थे पिकनिक से, उस दिन हमने बैच भी लगा रखा है, और धूप में इतनी गंदी फोटो रोहित के फोन से आई थी। और मैं उस टाइम इतनी मोटी थी, अभी भी हूँ। मैं भी मोटी थी यार, इसलिए दिख रही, तू भी अच्छी लग रही थी है ना। तुम्हें नहीं नहीं देखना है, मैं गा दूँ तुम्हारे लिए। बेंच हेलो कर दो, हेलो 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 फ्रेंड्स, हाथ गा रही है। अच्छा 11 बजे तक सो जाऊं बस, और कल चली जाऊं, मेरे घर वाले कहेंगे मेरी बेटी कहीं मर गई। यहाँ से मैं स्कूल जाऊंगी, तू डायरेक्ट अपने घर।
बहुत ज़्यादा मस्ती की और ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा आपने, मज़े आ गए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, अब मैं इसके घर जाऊँगी। हाँ, बोलो, क्या इनवाइट तो कर ले। अरे तभी से इनवाइट कर रही हूँ मैं, आई कल या परसों जाके बोल दो मम्मी से, बोला आंटी आता भेज दो इसको चमन जी को। चलो फिर मिलते हैं रास्ते में और फिर बाय बाय टाटा।